जानकी, हम भी वही बात कर रहे हैं। इनके और हमारे करने में एक अंतर है, प्रधानमंत्री जी को ये याद रखना चाहिए, उन्होंने जो संविधान की शपथ ली है वो बाबा साहब ने जो बनाया था वो ली है, और हम लोग एक बात कह रहे हैं, ये इधर उधर की बातें ना करें, जो संविधान बाबा साहब ने दिया था देश का हर वर्ग वही संविधान पे सहमति जताता आया और जताता रहेगा, और संविधान को बर्बाद और चेंज नहीं होने देगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग तीन तलाक की बात करते हैं वो बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने तीन तलाक का कानून बना लिया, क्या फर्क पड़ गया देश में, क्या हो गया? तीन तलाक की जो आपने बात करी थी मुस्लिम महिलाओं को चीख चीख के, उन महिलाओं के साथ आज क्या हो रहा है, उनको कौन सा रिलीफ मिल गया जरा वो बता दें। भ्रष्टाचार को लेकर भी प्रधानमंत्री ने, हाँ बहुत अच्छी बात करी, उन्होंने कहा 2G 3G और न जाने कितने घोटालों का उन्होंने 2 घंटे के भाषण में वो कहा, तो ये एक बात साबित हो गई। तो मैं उनसे कहूंगा कि ये जो घोटाले हुए थे उस घोटाले में वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उन्हीं के मंत्री उन्हीं के नेताओं को जेल पहुंचवा दिया था। प्रधानमंत्री जी महाकाल घोटाला और सतपुड़ा घोटाला, रेमडेसिविर घोटाला, इनके लिए इन लोगों को कब जेल पहुंचाएंगे उसका जिक्र करते तो अच्छा लगता। वो कह रहे हैं कि गारंटी की बात चलती है, एक लोग कांग्रेस जैसे गारंटी की बात करती है और यहाँ पे वो घोटाले की गारंटी देते हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भी एक गारंटी दे रहे हैं, कार्रवाई घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी। तो कब कर रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ, कर देना गारंटी दे रहे हैं क्या? जब आए थे तो कर देते कि हाँ महाकाल घोटाले वाले आज से जेल में, रेमडेसिविर वाले जेल में, सतपुड़ा वाले जेल में, आयुष्मान कार्ड के धारकों घोटाले वाले जेल में, तो मजा आता जरा कि लगता है कि प्रधानमंत्री में दम है और वास्तव में प्रधानमंत्री दमदार बात कर रहे हैं, झूठी और फर्जी बातें हैं, हताशा है और कुछ नहीं है। अच्छा सर, हाँ तो उन्हें मालूम है ना 23 में कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो कैसे कहेंगे।